जनपद में 20 ब्लॉकों पर ब्लॉक प्रमुख के नतीजे शनिवार को स्पष्ट हो गया। 8 जुलाई को नामांकन के साथ ही 17 ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुख पद के उम्मीदवारों के सामने कोई और नामांकन नहीं होने से उनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया था। निर्विरोध निर्वाचित 17 ब्लॉक प्रमुखों को 9 जुलाई को जीत का प्रमाण पत्र एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने जिला अधिकारी कार्यालय में वितरित किया था। शेष 3 सीटों पर शनिवार को मतदान होने के साथ मतगणना के बाद कांटे की टक्कर में उर्वा ब्लॉक निर्दल प्रत्याशी प्रभावती देवी ने 21 वोटों से जीत दर्ज की, तो वहीं बेलघाट ब्लॉक से बीजेपी प्रत्याशी पूजा सिंह 90 में से 64 वोट पाकर विजयी हुई। साथ ही बढ़लगंज से निर्दल प्रत्याशी रामाशीष राय 50 वोट पाकर ब्लॉक प्रमुख पद पर काबिज हुए। इस तरह जनपद के 20 ब्लॉक प्रमुख पदों पर भारतीय जनता पार्टी के 18 प्रत्याशी जीत का परचम लहराने में सफल हुए, तो 2 निर्दल प्रत्याशी ने कांटे की टक्कर देने के बाद सफलता हासिल किया। बेलघाट ब्लॉक प्रमुख की विजयी प्रत्याशी पूजा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से जो पद मुझे मिला है उस पर खरा उतरते हुए विकास कार्य करूंगी। वहीं उर्वा ब्लॉक प्रमुख पद पर विजयी प्रत्याशी प्रभावती देवी के प्रतिनिधि कृपा शंकर दुबे ने कहा कि ब्लॉक का विकास करना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही बेलघाट ब्लॉक प्रमुख पद पर विजयी प्रत्याशी रामाशीष राय के प्रतिनिधि श्रीनाथ तिवारी ने अपनी जीत को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समर्पित करते हुए कहा कि हम क्षेत्र में विकास करेंगे जिससे आने वाले समय में हमारे काम की चर्चा हो। इन सभी विजयी प्रत्याशियों को जिला अधिकारी कार्यालय में जीत का प्रमाण पत्र एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह द्वारा दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उर्वा ब्लॉक की नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख प्रभावती देवी के प्रतिनिधि कृपा शंकर दुबे, बढ़लगंज ब्लॉक प्रमुख पद पर विजयी प्रत्याशी रामाशीष राय के प्रतिनिधि श्रीनाथ तिवारी और बेलघाट की नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख पूजा सिंह एवं एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने कहा। सामने देखिए कृपा शंकर दुबे और जगमोहन दुबे। मुद्दा तो विकास ही है और उसी के आधार पर चुनाव भी लड़े हैं। हमेशा तीसरी बार है कि ब्लॉक प्रमुख हुए हैं हम लोग और विकास के ही मुद्दे पर हर बार चुनाव जीता जाता है। कितना चुनौती रहा इस बार चुनाव? चुनौतीपूर्ण तो रहेगा ही, चुनौतीपूर्ण तो है ही, लेकिन क्योंकि पूज्य महाराज जी की कृपा है कि निष्पक्ष चुनाव हुआ, यही चुनौती पार कर दिया गया। विकास देखिए इनका ये है, आप बोलेंगे नाम श्रीनाथ तिवारी। हम लोगों का 15 साल पहले समान सीट थी, उसके बाद से बैकवर्ड हुई, अब आज पहली बार समान हुई 15 साल बाद। पिपरौली मेरे साथ सामान्य थी, अब आज तक समान सीट है। इस बार हमको ऐसा काम करके दिखाना है कि फिर अगला चुनाव में कोई लड़ने लायक न रहे पूरी, न इनको धन से मतलब है न कोनो चीज़ से मतलब है। हमारे जो BDC 90 लोग हैं सबका काम करना है, विकास करना है, उस क्षेत्र की इतनी आगे बढ़ा देना है कि कोई विधायक नतमस्तक रहे कि उसको हम 20,000 वोट दिला सकें। हमारी पार्टी का समझ रहे हैं नहीं, ये हमारी व्यवस्था है। 83 बन के न हमको टिकट मिला भाजपा से, न इनको मिला, और हम लोग भाजपा में फिर जाके महाराज जी से मिल के उनके शिष्य रहेंगे। ये भी करा आप ब्लॉक प्रमुख बन गए हैं बेलघाट में, अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या करें?
सबसे पहले तो मैं भारत के शीर्ष नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी। महाराज जी को, योगी आदित्यनाथ जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे जो है पार्टी के लिए काम करने का मौका मिला है। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं क्षेत्र के विकास के लिए जो भी दिशा निर्देशित मुझे शासन द्वारा दिशा निर्देशित किया जाएगा महाराज जी द्वारा, वो मैं करूँगी, और पार्टी के उत्थान के लिए, पार्टी के विकास के लिए जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं करने का प्रयास करूँगी। कि एक जाहिर सी बात है कि एक पार्टी, एक हम ये नहीं कह सकते कि एक संगठित व्यक्तियों का समूह होता है, ये सारे लोगों के लिए, जैसा कि हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इस वजह से मैं उस नारे को अपने जीवन में और अपने ब्लॉक में इस चीज़ को स्थानांतरित करने की कोशिश करूंगी, मेरा यही प्रयास रहेगा। महिलाओं का प्रतिभाग है, किस तरीके से महिलाओं के उत्थान? बिल्कुल, महिलाओं का उत्थान मोदी जी ने शुरू से ही महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किया है, जिस तरह से और पार्टियों में और पार्टियों का राज चलता रहा उसमें जैसे महिलाओं की दुर्दशा होती रही है, जैसे कि कांग्रेस हुई, समाजवादी पार्टी हुई, निर्भया कांड किसी को भूला नहीं है, और यही नेता हैं समाजवादी पार्टी के जो कि महिलाओं को हर जगह बेइज्जत करते रहते हैं, चाहे वो रामपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हों या कहीं से भी। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने हम महिलाओं को बेइज्जत करने में और उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने में कोई और कसर नहीं छोड़ी है। ये मोदी जी और योगी जी का ही योगदान रहा है, खासकर योगी जी का। उत्तर प्रदेश में मैं तो यही सोचती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ तो मैं यही सोचूंगी और मुझे यही फील होता है यहाँ पर रहने के बाद से, कि जब से योगी जी का यहाँ पर मुख्यमंत्री बन के उत्तर प्रदेश के आए हैं तब से रात को 12 बजे भी, 2 बजे भी कभी भी लड़कियाँ घर से बाहर निकले हमको तो लगता है कि सुरक्षित है। और मैं खुद एक वर्किंग महिला रही हूँ इससे पहले, और मैंने जो है ये देखा है कि 11 बजे 12 बजे जबकि दूसरे संगठनों के समूह के लोग भी जाते रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती थी और आराम से हम लोग रहते थे। तो इस वजह से मैं यही कहूँगी कि बेलघाट इट्सेल्फ बहुत ही एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, इसमें जो है 98 BDC हैं और 98 BDC में मुझे लगता है कि लगभग 55 BDC जो है हमारी महिलाएँ हैं। तो इस बार मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बार महिलाओं ने अपने अधिपत्य से पुरुषों को चुनौती दे दी है और इस बार महिलाएं बेलघाट के उत्थान के लिए काम करेंगी, बेलघाट के उत्थान के लिए काम करेंगी। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं, और हमारे जनपद में कुल 20 ब्लॉक थे जिनमें से 17 ब्लॉक प्रमुख के पद पर जो लोग नॉमिनेशन किया था वो कल निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे, कल उनका प्रमाण पत्र दे दिया गया था। आज मतदान हुआ और मतदान के बाद जो शेष 3 ब्लॉक थे, बेलघाट, उरुआ और बड़हलगंज, उनमें जो भी जीते हुए प्रत्याशी थे उनको अभी प्रमाण पत्र दे दिया गया है। इस प्रकार से 200 ब्लॉक के 200 ब्लॉक प्रमुख को प्रमाण पत्र दे दिया गया है। अब सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हो गई हैं और आज के बाद सब लोग अपना, जब भी समय होगा तब, जब निर्देश होगा तब इनके शपथ हो जाएंगे और ये अपना कार्य कर सकेंगे।